हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ एनटीसी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में। ये केस 4 जुलाई 2018 को आया था, जिसमें कि दिल्ली के स्पेशल स्टेटस के बारे में कोर्ट ने डिसीजन दिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन था, जिसमें कि जस्टिस दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़, एके सीकरी, अशोक भूषण और अजय खानविलकर इंक्लूडेड थे। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये है बेसिकली दोस्तों कि क्या दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर या जो उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनमें से कौन सा बंदा एग्जीक्यूटिव हेड होगा। यहाँ पे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस से बाउंड होता है। इसके चलिए ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो दिल्ली हाईकोर्ट था उसके पास एक ये लोग केस जाता है, जिसमें कि जो सीएम अरविंद केजरीवाल होते हैं और नजीब जंग होते हैं उनके बीच में कुछ खींचातानी होती है इस चीज को लेके कि चीफ सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करेगा। और फिर जब चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट होते तो फिर उनके अगेंस्ट में करप्शन इंक्वायरीज चला दी जाती हैं, जिसको कि लेके बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन बंदा सुप्रीम है। ये जो पूरी कंफ्यूजन होती है वो पैदा होती है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से, जो कि आर्टिकल 239AA को इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अंदर जो दिल्ली है उसको एक यूनियन टेरिटरी से बढ़ाकर एक स्टेट की पावर दी जाती है, तो एक तरीके से सूडो स्टेट बन जाता है जहां पे एक इलेक्टेड असेंबली अब काम करेगी। अब इसको लेकर 4 अगस्त 2016 को एक जजमेंट आती है, जहां पे जो दिल्ली हाईकोर्ट होती है वो दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करती है डिस्पाइट ऑफ आर्टिकल 239AA, जहां पे उसको स्टेट का दर्जा मिला था। अब इसके बाद जो है आगे फिर उसको अपील होती है और उसको एक टू जजेस बेंच फरवरी 2017 को रेफर कर देती है 5 जजेस बेंच के बारे में। अब इसके मेन इश्यूज पे आते हैं, जिसमें मेन इशू है वो ये है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर एक नॉमिनल हेड है जो कि एड और एडवाइस पे चलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, या फिर वो एक ऐसा बंदा है जो कि उनकी एडवाइस बिना माने अपने हिसाब से काम कर सकता है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। अब यहाँ पे जो मेन चीज होती है वो देखना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये चीज एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि अगर हम लोग कंपेयर करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रेसिडेंट बराबर आएगा, वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो पोजीशन होती है सेंट्रल लेवल पे उनके एडवाइस से वो बाउंड होता है। तो यहाँ पे वही एक कंफ्यूजन छूटता है कि वो होंगे कि नहीं होंगे। अब इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल है आर्टिकल 239, जो कि ये कहता है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी और प्रेसिडेंट उसका एडमिनिस्टर करने के लिए किसी बंदे को अपॉइंट कर सकता है। जो दूसरा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 239 का डबल ए का क्लॉज 3, जो कि ये कहता है कि जो दिल्ली है नेशनल कैपिटल टेरिटरी उसके पास ये पावर है कि वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स हैं उनके ऊपर वो कानून बना सकता है, बारिंग एंट्री 1, 2 और 18। उसके बाद आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 246 क्लॉज 4, जहां पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो कि इंडिया का पार्ट है उसके अंदर वो कानून बना सकता है, बट उन जहां पे वो कानून नहीं बना सकता जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एक कानून को बनाए। बस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यही पावर है कि वो उन टेरिटरीज मतलब उन चीजों पे कानून बना सकता है जहां पे सेंटर के पास वो पावर है कानून बनाने की, स्टेट गवर्नमेंट के पावर को इंटरफियर नहीं करेगा। अब इसके बाद आते हैं दोनों पार्टी से कंटेंशन पे कि दोनों पार्टीज ने कहा क्या। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ये समझते हैं कि यहाँ पे अब आते हैं दोनों पार्टी से कंटेंशन के ऊपर। देखिए दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो लेजिस्लेटिव पावर के साथ कोएक्सटेंसिव होती है। मतलब इसका ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास भी वही पावर होगी जो लेजिस्लेचर के पास है, क्योंकि सरकार जब बनती है तो फिर जो बंदे अपॉइंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव में वो सरकार जो इलेक्ट होके आई उसी के बंदे होते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अपने कंटेंशन थे वो उसने रखे। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू करा था कि जो कि आर्टिकल 239AA Clause 3 में उसके पास ये पावर है कि वो कानून बना सकती है अपने हिसाब से स्टेट लिस्ट के अंदर रहते हुए या कंक्रीट लिस्ट के अंदर रहते हुए, और जो कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है वो कोएक्सटेंसिव आते हैं, तो जो पावर लेजिस्लेचर के पास है आर्टिकल 239AA में वही पावर स्टेट के पास मतलब जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास होगी। इसीलिए उसने ये कहा कि जो गवर्नर है वो बाउंड होगा बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दोज एरियाज जहां पे स्टेट लेजिस्लेट कर सकता है,
और जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाउंड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब इन्होंने पैरेलल ड्रॉ करा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, उनके पास ये पावर होती है। इस चीज के उल्टे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि आर्टिकल 246 क्लॉज 4, जहां पे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो कोई भी कानून बना सकता है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है, पहले वो एक यूनियन टेरिटरी, बाद में वो फिर अपनी एक सूडो सॉर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट उसकी रहती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सुप्रीम पावर है कि वहां पे वो किसी भी लॉ को बना सकता है, वो वहां पे उस चीज को ओवरराइड कर सकता है। फर्दर वहां पे उन्होंने आर्टिकल 73 का फायदा उठाया, जिसका कि जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कानून बना सकता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बस इस बात को आपको मैटर में रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेचर है स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी पावर को आप ना छुएं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही आर्ग्यू करा कि जो प्रोवाइजो है आर्टिकल 73 का वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस सेट करता है कि जो दिल्ली है वो एक वो नहीं है, पहली बात तो स्टेट नहीं है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटर के साथ कोएक्सटेंसिव नहीं है, उनका ये कहना है। एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी मतलब सॉरी जो आपकी लेजिस्लेचर है वो अलग है, और जो कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो इसीलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगी और स्टेट गवर्नमेंट वहां पे अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इसके रिस्पांस में दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बोला कि आर्टिकल 246 और आर्टिकल 73 की जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली है वो एक स्टेट है, एक प्रॉपर स्टेट है, और एक प्रॉपर स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स दिए हुए हैं उसके साथ वो अपने कानून बना सकता है, और आर्टिकल 73 का जो प्रोविजन है वो भी जो है मतलब उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, मतलब वो जो एक सिक्योरिटी एक्सटेंड करता है आर्टिकल 73 का जो प्रोविजन है वो जो है दिल्ली के ऊपर अप्लाई करेगा। इसमें एक 5 जजेस बेंच के डिसीजन में जस्टिस दीपक मिश्रा, डीवाई चंचूर, एएम खानविलकर, अशोक भूषण और एके सीकरी ने यूनानिमसली ये होल्ड करा कि जो चीफ मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होने वाला। इसके अंदर तीन पार्ट में जजमेंट आया है जहां पे जस्टिस दीपक मिश्रा ने खुद के और एके सीकरी और एम खान मिलकर के बिहाफ पे जजमेंट दिया, और उसके बाद डी वाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण ने अपने टू सेपरेट कंकरिंग ओपिनियंस दिए। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेसिकली तीन क्वेश्चंस को बेसिकली यहाँ पे पुट अप किया और उसको आंसर करा। जो पहला क्वेश्चन था वो रिलेटेड था विद द स्टेटस ऑफ दिल्ली एज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, की दिल्ली का स्टेटस क्या है। इसमें जो तीनों के ओपिनियन थे वो ये थे कि जो दिल्ली है वो एक स्टेट नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने एनएमडीसी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस को एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट के तौर पे माना। यहाँ पे सीजीआई मिश्रा ने ये कहा कि जो दिल्ली है वो एक स्टेट नहीं है, तो वो एक स्यू जनरिस स्पेशल स्टेटस रखता है। उन्होंने ये भी बोला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक एट बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, लिमिटेड सेंस में, बहुत ही कम सेंस में। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं माना कि जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है और जो एलजी है वो इसका एग्जीक्यूटिव हेड है। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात और थोड़ा सा कैटेगोरिकली कहते हुए बोला कि जो यूनियन टेरिटरी है वो आर्टिकल 239 क्लॉज 1 के अंदर आती है, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है वो आर्टिकल 239AA के तरीके से मैच नहीं करता, जहां पे एक इलेक्टेड बॉडी है। मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 239 में यूनियन टेरिटरी हुई, जैसे पॉन्डिचेरी वगैरह है वहां पे कोई भी आपका इलेक्टेड लेजिस्लेचर नहीं है, बट आर्टिकल 239AA के अंदर जो दिल्ली है उसके पास एक स्पेशल स्टेटस है इलेक्टेड होने का, इसीलिए जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी नहीं होगी। उसके बाद जस्टिस भूषण ने ये कहा कि जो आर्टिकल 239 क्लॉज 1 है वो दिल्ली के ऊपर अप्लाई करेगा और दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी होगी, इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए। जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है क्या उसको एक्ट करना है एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। यहाँ पे जो जजमेंट था उसमें ये कहा गया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कोएक्सटेंसिव है, लेजिस्लेटिव और जो वाली पावर है उसके साथ वो कोएक्सटेंसिव है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट जो आर्गुमेंट देता है उसके वो लोग समर्थन में गए हैं बेसिकली। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो एलजी है वो एड और एडवाइस के लिए बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो लॉज को मेक कर सकते हैं। दीपक मिश्रा ने यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्टांस को सपोर्ट करा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ पे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बताया है एज अ बेसिक
स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद इस केस में जस्टिस भूषण ने यह करा कि जो एलजी है वो एड और एडवाइस के लिए बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, साफ साफ उन्होंने उस चीज का आंसर किया। उसके बाद जो तीसरा जज पार्ट है वो ये है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर हर मैटर को रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट के पास या कुछ ही मैटर्स को रेफर कर सकता है। इसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन था वो ये था कि आर्टिकल 239 डबल ए का क्लॉज 4 है वो ये पावर देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो किसी भी मैटर को प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है अगर एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। यहाँ पे जो एनी मैटर है उसका क्या मतलब है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, वो अभी तक क्लेरिफाई होना था। तो वहां पे ही जस्टिस जो वो थे उन्होंने इस चीज को क्लेरिफाई करा, और उसमें उन्होंने ये क्लेरिफाई करा कि केवल एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर ही इस पर्टिकुलर पावर को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये उस चीज में डाला, एड करा कि जो एलजी होती है उसके पास ये रिजर्व मैटर्स में ही वो केवल इस चीज को एक्सरसाइज कर सकता है जो कि वाइटल नेशनल इंटरेस्ट के हैं, और ये केवल एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ही यूज होगा आफ्टर कंसल्टेशन विद दी कंसर्न मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। यहाँ पे सारे जजेस ने एक बात पे अग्री करा कि जहां पे भी हम लोग को कंफ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन मिलते हैं वहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम लोग बेस्ट प्रेफरेंस पे दें। कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थी इंडिया की और ब्रिटेन की उसके ऊपर काफी हेविली रिलाय करते हुए कहा कि जो नेचर है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का दिल्ली के अंदर उसको हमें प्रिवेंट करना है कि जब लोगों ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सिलेक्ट करा तो उस इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो एक गरिमा होती है उसको मेंटेन किया जाए और देयरफॉर जो आउटकम हो वो बेस्ट के लिए हो। जो आर्टिकल 239 डबल ए है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए डाला गया ताकि वेस्टमिंस्टर स्टाइल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को दिल्ली के अंदर लाया जा सके जो कि ब्रिटिश सिस्टम के ऊपर मॉडल की गई है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसके एसेंशियल फीचर्स को देखते हुए उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियंस के वर्क के ऊपर उन्होंने एनालाइज करा, जैसे कि ए वी डाइसी, सर आइवर जेनिंग्स और जॉफ्री मार्शल। साथ ही साथ उन्होंने अपना हिस्टोरिकल एनालिसिस करने के लिए वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी को किन जजमेंट्स पे कैरी आउट किया कि वो भी देखे, और उसके अंदर उन्होंने राम जवाया कपूर से स्टेट ऑफ पंजाब और शमशेर सिंह से स्टेट ऑफ पंजाब का भी यूज करा जो कि जजमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसको समझने के लिए हम लोग को इन केसेस को भी देखना पड़ेगा जो कि आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी केस लॉज इसके अंदर यूज हुए थे वो हैं एनएमडीसी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, टीएम कानिया वर्सेस इनकम टैक्स पुडुचेरी, राम जवाया कपूर शमशेर सिंह और एसआर बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों संभव लॉ के ऊपर अब मैं रोज ऐसे वीडियोस डालने वाला हूं जिसमें कि मैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट केस लॉज के बारे में डिस्कस करूंगा, और अगर आपको रोज ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को भी और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।